यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ऊपर दर्ज हुए केसों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर ही फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार द्वेष की भावना से राजनीति कर रही है और मुझे जिन केसों में फंसाया जा रहा है वो बीजेपी सरकार द्वारा किए गए हैं, और कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हुड्डा का कहना है कि कानूनी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे और राजनीति की लड़ाई सड़कों पर। तो बीजेपी सरकार द्वेष की भावना से राजनीति कर रही है, इस तरह की बात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई। और उनका कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जो भी न्याय करेगी उस पर उन्हें पूरा विश्वास है। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को विफल सरकार भी यहां पर बताया और अपने ऊपर दर्ज हुए सभी केसों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर ही फोड़ दिया है। और उनका कहना है कि उन पर जो भी केस दर्ज हुए हैं वो बीजेपी की वजह से हुए हैं और साथ ही बीजेपी द्वेष की भावना से राजनीति कर रही है। साथ ही उनका कहना है कि लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है कि जो भी न्याय किया जाएगा वो उनके पक्ष में होगा और कानून की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ये जो है मामला, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जितने इस किस्म के केस हैं, क्योंकि सरकार विफल सरकार है, ध्यान इधर उधर आकर्षित करने के लिए ये बिना आधार के और राजनीतिक द्वेष से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ये केस हुए हैं। और कल थी उसने कोर्ट में तारीख थी, बेल हुई है। जहाँ तक सवाल है मुकदमे का, कोर्ट का जो है न्यायपालिका में मेरे को पूरा विश्वास है, ये कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई सड़कों में लड़ेंगे।